हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप जो है किसी को रिक्वेस्ट भेज देते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका पता लगाना चाहते हैं कि आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी है, तो उनका सबका कैसे पता लगा सकते हैं। हाउ टू चेक सेंड रिक्वेस्ट, आपने किसी को भी रिक्वेस्ट भेजी है उसको कैसे पता कर सकते हैं कि आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी है, तो कम्प्लीटली वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद जैसे अगर आप यहाँ से जो है सर्च में क्लिक करके एंड यहाँ से किसी को भी जो है रिक्वेस्ट भेज देते हैं एंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप जो है 1 महीने 2 महीने 4 महीने पहले रिक्वेस्ट भेज देते हैं एंड आपको पता नहीं कि उसने आपने किसको रिक्वेस्ट भेजी थी और एक्सेप्ट करी है नहीं करी है, तो इसका कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है एंड प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन में क्लिक करना है एंड 3 लाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूअर एक्टिविटी का, इस पर क्लिक कर देंगे एंड जैसे इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड यूअर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करा एंड यहाँ पर आता है डाउनलोड यूअर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की फेसबुक की किसकी करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कंप्लीट कॉपी, यहाँ से आपको जो है कंप्लीट कॉपी मिल जाएगी पूरे इंस्टाग्राम की, मैसेज और चैट सब की एंड यहाँ पर सेलेक्ट टाइप में आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किसकी चाहिए एंड सेलेक्ट टाइप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है सेलेक्ट ऑल, अगर आप सभी की करना चाहे कर सकते हैं, कमेंट कॉन्टेक्ट यूअर टॉपिक मैसेज गाइड मीडिया सेटिंग आदि यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एंड आपको जो है आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका पता लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फॉलोअर एंड फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना है। इसको आपको नोटिफाई करने के लिए यहाँ पर जीमेल को सेलेक्ट करेंगे, HTML PDF में लेना है, मीडिया क्वालिटी किस टाइप में लेना है, हाई लो मीडियम आपके हिसाब से एंड डेट रेंज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लास्ट वीक लास्ट मंथ 3 मंथ 6 मंथ लास्ट ईयर लास्ट 3 ईयर ऑल टाइम जब से यूज करने लगे तब से तब का। और जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जो है मोबाइल दिया है एंड उस डेट के आपको देखना है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट डेट और एंड डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे तो मैं जो है यहाँ से जो है ओनली मैं कर देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट माना कि 20 से 24 की, ताकि जल्दी से हो जाए रिक्वेस्ट कॉपी डाउनलोड एंड जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एंड चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर जो है डेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा रिक्वेस्ट और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी आपके इंस्टाग्राम सॉरी आपके जो मेल आईडी, उस पर भी रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी, जैसे कि मेल आईडी को भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आ रहा है यूअर मीटा, यहाँ पर यूअर मीटा डाउनलोड रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से प्रोग्रेस में एंड यहाँ पर आपको जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ा टाइम में, थोड़ा सा वेट करें। अगर आप जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम का ऑल टाइम का करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं जो है जल्दी में बता रहा हूँ इसलिए जो है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए जो है मैंने डेट को 1 से 2 दिन की सेलेक्ट करा है एंड यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है और डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है डाउनलोड और डिलीट का, तो अपन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी। आपको हो सकता है पासवर्ड मांगे वहाँ पर, तो आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड को फिलअप करना है एंड जैसे अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो कैन नॉट ओपन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपने जो मोबाइल है उसमें जो फाइल मैनेजर है उस पर चले जाएंगे एंड आर्चीव में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसको जो है किस में करना है सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं, करंट प्रेंट फोल्डर एंड यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो है फाइल देखने को मिल जाएगी इसमें, तो एंड फॉलोअर एंड फॉलोइंग एंड यहाँ पर जो है आपको जो है फॉलोइंग पे जाना है, क्योंकि आपने फॉलोइंग को देखना है आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी उसको, तो क्रोमी पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जिसको भी आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको, इस यूजर नेम को अगर आप
कॉपी करेंगे एंड वहाँ पर पेस्ट करके सर्च बार में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी। तो कुछ इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।